हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रतीक हियर। और आज मैं लगाने वाला हूँ कुछ एक्सेसरीज अपनी बाइक पे, जिसमें से एक आपको ये दिख रही है। उसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं। जो पिछले एक डेढ़ महीने से मेरे पास बाइक नहीं थी, उस बीच में जितने भी एक्सेसरीज वगैरह आई थी मेरे पास सब रखी हुई थी। और कल राइड पर जा रहे हैं, तो आज ये सब कुछ मेरे को सेटअप कराना है। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी, मैं अपने टायर्स को नियॉन पेंट कर रहा था। तो टायर्स नियॉन पेंट किए, उसके बाद फिर बागबस्टर्स वालों से मेरी बात हो रही थी हैंड गार्ड्स के लिए। सो थैंक्स टू बागबस्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने ये हैंड गार्ड्स मेरे को भेजे हैं और नियॉन कलर के ही भेजे हैं। तो इसका सेटअप है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद फिक्स कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। पर अगर खुद फिक्स नहीं हो पाए तो फिर देखेंगे कैसे फिक्स करना है। सो लेट्स ट्राई। पहले दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इस पार्सल में आई हैं। और इसके अलावा एक नेक्सस गियर से पार्सल और आया हुआ है, जिसमें सेंटर स्टैंड है और रेडिएटर गार्ड है। तो ये क्रैश गार्ड्स वगैरह सब कुछ मैंने खुद फिक्स किए थे पिछली बार उनके। लेट्स सी रेडिएटर प्लेट वगैरह फिक्स हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो फिर कहीं जाके फिक्स कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो कि पार्सल में है क्या क्या। ओके, तो ये है एल्यूमिनियम हैंड गार्ड्स, जो बैकबोन आती है एल्यूमिनियम बैकबोन, जो कि यहाँ पर फिक्स होगी। उसके अलावा ये है हैंड गार्ड्स जो नियॉन कलर के मैंने मंगाए हैं। इसके अलावा ये है सारे क्लैंप्स जो इसके साथ में आए हैं, यहाँ पर फिट थे, माउंटिंग क्लैंप्स हैं ये सब कुछ। ये अभी देखना पड़ेगा थोड़ा सा कैसे फिट होगा। ये है एक इंस्ट्रक्शन शीट जिसमें सब कुछ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और यही देख के मुझे लग रहा है कि शायद मैं ये खुद फिक्स कर पाऊँगा। उसके अलावा ये है मेरी बहुत ही यूज़फुल स्टैनली की टूल किट। ये मुझे किसी ने भेजी नहीं है, बाकी सब प्रोडक्ट्स भेजे हैं, ये मैंने खुद खरीदी थी। पर ये एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल किट है, ये आप लोग भी खरीद सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट, डायग्राम देख के कितना समझ में आता है, कितना फिक्स कर पाता हूँ, लेट्स सी। तो ये पूरा सेट, सबसे पहले मैंने सारे क्लैंप्स निकाल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। तो ये क्लैंप है, ये क्लैंप कनेक्टर है, उसके अलावा कुछ नट्स बोल्ट स्क्रूज हैं, ये अपने एल्यूमिनियम बार है, ये लेफ्ट हैंड वाला बार है जो कि यहाँ पर ऐसे आएगा, और ये राइट हैंड वाला बार है जो कि यहाँ पर आएगा। तो ये सबसे पहले एज अ फर्स्ट स्टेप मैंने सब कुछ डिवाइड करके चेक कर लिया कि सब कुछ पूरा है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब मैं ये क्लैंप को यहाँ हैंडल बार पे फिक्स करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वो करते हैं। आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने और शिखा ने फिगर आउट कर लिया कि ये कैसे लगने हैं क्लैंप्स। तो ये है एल्यूमिनियम रॉड, ये है क्लैंप, ये है क्लैंप कनेक्टर, और यहाँ से मैंने हैंडल बार को खोल के ये जो फ्रेम है ये बाहर से आके एल्यूमिनियम का हैंडल बार यहाँ से फिक्स हुआ है। तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप मैं राइट हैंड साइड का फिक्स करता हूँ, उसमें आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कैसे किस किस चीज़ को करना है। जो इतनी मेहनत मैंने की है फिगर आउट करने में, वो आप लोगों को नहीं करनी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट द राइट हैंड साइड। तो ये है क्लैंप, ये है क्लैंप कनेक्टर, कुछ स्क्रूज नीचे पड़े हुए हैं, और ये है एल्यूमिनियम रॉड। तो एज अ फर्स्ट स्टेप इसको क्लैंप को ओपन कर लो और यहाँ से स्प्लिट करके हैंडल बार में लगाना है, जैसे ये क्लैंप लगा हुआ है। खोलो। ये टूल किट एक्चुअली बहुत यूजफुल है, क्रैश गार्ड लगाते टाइम मेरे को पता लगा था कि काफ़ी यूज है इसका, और अभी सारे चीज़ों में बहुत यूज होती है। तो ये क्लैंप लग गया है जो मैं बता रहा था फर्स्ट स्टेप। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ से हैंडल बार खोल के रॉड फिट करने वाला हूँ। तो ये एंड बार मैंने खोल लिया है, और इसका जो ओरिजिनल स्क्रू है ये निकल जाएगा, और उसके बाद फिर हैंड गार्ड्स में ये बड़ा स्क्रू आया हुआ है ये इसमें लगेगा। तो फिटिंग जो एंड बार की थी वो वैसी की वैसी रहनी है, सिर्फ इसमें अब ये बाहर से एल्युमिनियम हैंडल बार जो आया हुआ है बागबस्टर्स का वो आ जाएगा, और यहाँ से इसको मैं स्क्रू को टाइट करूँ। अभी किसी भी स्क्रू को पूरा टाइट नहीं करेंगे 100%, क्योंकि वो एक साथ बाद में सारे स्क्रूज टाइट होते हैं, तब तो फिर सही फिटिंग बैठती है। तो दिस इज स्टेप नंबर 2। तो ये है स्टेप 3, राइट क्लैंप कनेक्टर। तो अब ये क्लैंप कनेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। अरे यार स्कोप ही नहीं है कुछ देखने का। अबे
ओके, तो तीन स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लैंप फिट हो गया है, क्लैंप कनेक्टर फिट हो गया है और ये एल्यूमिनियम रॉड फिट हो गई है। अब ये यहाँ से इसका स्क्रू लगा के रॉड को इसमें कनेक्टर में फिट करना है। तो ये लास्ट स्टेप, ये वाला स्क्रू यहाँ पर फिट करना है। अभी इसको मैं फुल टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइट सब कुछ लास्ट में एक साथ करेंगे। तो इफ़ यू सी, अब ये शेप आ गई है, ये पूरा एक्सेलेरेटर लीवर प्रॉपरली कवर कर रहा है यहाँ से, एंड मोस्टली ये टच भी नहीं होगा। हाँ, ये यहाँ तक आ जा रहा है। ओके, तो अब एक बार इसको टाइट करता हूँ और ऊपर की फिटिंग देखता हूँ कैसे लगानी है। तो ये अभी जब मैंने हैंडल बार फिक्स किया तो इस पोजीशन में यहाँ पर जो स्क्रू है वो यहाँ पर टच हो रहा था। तो जो मेन प्रॉब्लम थी कि इस विंडस्क्रीन के साथ में सिर्फ बागबस्टर्स के हैंड गार्ड्स ही हैं जो ओरिजिनल पूरे फिट होते हैं। ये PUIG की अनब्रेकेबल विंडशील्ड है, इसलिए मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा था। लोकल विंडशील्ड्स या किसी और शेप की विंडशील्ड्स के साथ में कोई भी हैंड गार्ड्स फिट हो जाते हैं, पर इसमें नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैंने बागबस्टर्स ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर ये टच हो रहा है। फिलहाल बाकी सारे हैंड गार्ड्स में ये शेप नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर टच करते हैं। ये टच नहीं कर रहा है, पर अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर समझ में आ रही हो तो ये है कि क्लच लीवर और एक्सेलेरेटर लीवर जो है वो इस हैंड गार्ड से नीचे रह गए थे। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करके बस थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट कर दूँगा। तो ये मैंने दोनों स्क्रू यहाँ से बस लूज़ किए और ये फ्री प्ले आ गया इसमें। अब मैं इसको यहाँ पे हैंड गार्ड्स की हाइट के अकॉर्डिंग फिक्स करके यहाँ से वापस टाइट कर दूँगा। तो ये सारी फिटिंग्स अब मैंने टाइट कर दी है, सारे स्क्रूज। मेन चीज़ चेक करने की क्या होती है ना, कहीं से भी कुछ टच नहीं होना चाहिए। जो आपका हैंडल का फ्री मूवमेंट है वो हैंडल का फ्री मूवमेंट वैसा का वैसे ही बना रहना चाहिए। तो पहले ये यहाँ पर टच हो रहा था, कभी स्क्रू टच हो रहा था, पर फिलहाल अब कुछ भी टच नहीं हो रहा है। तो अब ये फिट हो गया है, इसके बाद बस अब ये अपने नियॉन कलर के गार्ड्स फिट कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं इसमें, यहाँ पर काफ़ी सारे स्लॉट्स दिए हुए हैं स्क्रू लगाने के लिए। ये अपने दोनों यहाँ पर और यहाँ पर फिट हो जाएगा सेकेंड वाले स्क्रूज पे दोनों पे, एंड इट विल कम लाइक दिस। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, ये यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इसमें दो स्क्रू ये लंबे वाले दिए हुए हैं जिनको मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है। इसके अलावा दो छोटे छोटे स्लॉट्स जैसे, उसके अलावा ये दो छोटे छोटे स्लॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें दो स्क्रू और जाएंगे। तो ये दोनों स्क्रू लग गए हैं और इसके साथ ही ये हैंड गार्ड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ये बैकबोन है, ये हैंड गार्ड्स हैं। राइट वाला भी फिक्स हो गया है, लेफ्ट वाला भी फिक्स हो गया है, सारे स्क्रूज सारे क्लैंप सब कुछ यूज हो गया है, एंड दिस इज हाउ बेला लुक्स नाउ। तो अब बेला अपनी मस्त सतरंगी हो गई है फाइनली। कल ये बाइक नए बागबस्टर्स के हैंड गार्ड के साथ सतरंगी बेला विल गो टू वेंडिकोटा। So stay tuned for the next vlog. So that's it from this video. Hope you guys enjoyed the video. If you did, do like it. Comment se batana kaisa laga. If you have any queries, connect with me on Instagram. Agar useful laga to please share zarur karna. I'll see you in the next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.